जब से मोदी सरकार बनी है तब से हम लोग को बहुत शोषण करता है सब, टीचर लोग भी। जो आशा बोलती है 2700 ब्लॉक में धमकाया जाता है तुम्हारा चैन मुक्त कर देंगे। पैखाना सब करवाते हैं मास्टर लोग, अभी वोट नहीं देंगे, अभी जिताएंगे नहीं, उनको हटा देंगे 2024 में। स्वागत है आपका जनहित आवाज में, मैं हूँ आपके साथ पूजा। और आज यहाँ ये जंतर मंतर पर अब तमाम देख रहे होंगे महिलाएं तमाम राज्यों से आई हुई हैं, सारी महिलाएं ही हैं, यहाँ से वहाँ तक ये जो महिलाएं हैं ये सभी वर्कर्स हैं, मिड डे मील की वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी की वर्कर्स हैं, ये आशा की वर्कर्स हैं, ये वो वर्कर्स हैं जो मातृत्व का इनको सम्मान मिलना चाहिए, जो इनको न्यूनतम गारंटी के साथ जो बताया जाता है वर्कर्स, ये सभी वर्कर्स वो हैं जो आज राजनीति की शिकार हो चुकी हैं और आज अपना यहाँ महाधरना प्रदर्शन कर रही हैं। ये सामने आप देख सकते हैं स्कीम वर्कर्स का अधिकार एवं सम्मान महाधरना, ये महाधरना है स्कीम वर्कर्स आशा मिड डे मील। अभी मैंने आपको बताया ही था आंगनवाड़ी आदि की सरकारी कर्मचारियों का दर्जा चाहिए इन्हें, तो इसी के लिए अलग अलग राज्यों से ये महिलाएं आज यहाँ पर आई हैं, किसी एक राज्य से नहीं, ये तमाम महिलाएं अपने हक अधिकारों की आवाजों के लिए यहाँ पर आई हैं। और ये अलग अलग राज्यों से आई हुई महिलाएं हैं, घरेलू महिलाएं भी हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये मातृत्व का अपना सम्मान लेने आई हैं। आपको मैं सामने एक पोस्टर दिखा दूं जिस पर लिखा हुआ है कार्यस्थल पर होने वाले लैंगिक शोषण पर रोक लगाओ। सोचिए शोषण तक हो रहा है और वो भी लैंगिक आधार पर, महिला मजदूरों को पूरा व बराबर वेतन की गारंटी। और एक और वही तमाम जो पोस्टर्स लगे हुए हैं उनमें से एक और बता दूं मैं, सभी स्कीम कर्मियों से सेवतन मातृत्व अवकाश की गारंटी, कार्यस्थल पर गारंटी, उसके साथ इन कर्मियों को साथ जो बदतमीजी होती है उसके लिए यहाँ पर अपनी आवाजें उठाने बुलंद करने आए हैं। आज यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम भीड़ आप देख सकते हैं महिलाओं की यह आई हुई है। कहाँ कहाँ से आए हुए आप लोग? मोतिहारी जिला से आए हैं। बिहार से हैं? बिहार से हैं। क्या कुछ हो गया है, किसमें कार्यरत हैं आप, किसमें कार्य करती हैं? मिड डे मील में आशा आशा में काम करते हैं। अच्छा, अधिकतर यहाँ पे आशा वर्कर्स ही हैं? आशा है और आंगनबाड़ी है और ममता है और रसोईया है। अच्छा, तो क्या कुछ हो गया है यहाँ पर आज आपको इतनी संख्या में आना पड़ा? अपने मांग के लिए आए हैं, इतना काम करते हैं तो मन पैसा नहीं मिलता है, इसके लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम लता देवी है। कहाँ से आई है? जमुई से आए हैं, बिहार से। बिहार से? अधिकतर आप बिहार से ही हैं क्या? हाँ जी। अलग अलग जिलों से भी है की? हाँ, जमुई जिले से हैं। आप किस में कार्यरत हैं, किस में कार्य करते हैं? हम इस सरकारी स्कूल का रसोईया है, मिड डे मील में। हाँ, इसलिए हम लोग पर मास्टर धमकी देता है, बोलता है। हाँ, जो टीचर होता है प्रभारी वही लोग बोलता है इतना टाइम से आती है, ऐसे करती है, उसे करती है, आपको ये करना होगा, आपको सफाई करना होगा, आपको मतलब हम लोग को उस जिस समय हम लोग का बहाली हुआ था उस समय कहा गया कि आप लोग का बच्चा है, समाज का बच्चा है, कम पैसा अठन्नी चमन्नी रुपया देता था। लेकिन अब जब से मोदी सरकार बनी है तब से हम लोग को बहुत शोषण करता है सब, टीचर लोग भी, ये करना होगा, वो करना होगा, आपको झोल झाड़ना पड़ेगा, वो ऊपर में जो होता है वो सब कुर्सी पर चढ़ के, अगर कोई रसोईया जर गई या मर गई या डर गई उसका कोई जिम्मेवारी प्रभारी नहीं लेता, लेकिन काम करने के लिए प्रभारी हम लोग पर दबाव देता है। अच्छा, आप लोग रसोईया आपसे मतलब जाले वाले झड़वाए जा रहे हैं, सफाई भी करवाते? सब साफ करवाता है सब कुछ, मतलब रसोईये को रसोईया नहीं मतलब पूरा काम लिया जा रहा है। और पैसा क्या दिया जा रहा है? पहला वही पैसा देता है 1650, उस भी पैसा देता है 10 महीना का देता है, 12 महीना का हम लोग को पैसा देता है। अब बीच में अगर छुट्टी मांगते हैं, शादी होता है या कोई भी मेरा आदमी घर में मर जाता है तो बोलता है आप लिखी दीजिए, लेकिन उस समय हम लोग को तो समाज सेवा कह के बहाली किया था, अंधा बनाया था कि आप लोग ही का ना बच्चा पढ़ता है, आप ही टोला मोहल्ला के ना पढ़ता है, लेकिन वहाँ हम लोग को नीचा दिखाया जाता, मास्टर लोग को जो मन होता सो करता है, हम लोग को जो मन होता हम खाना बनाते, फिर भी हम लोग पर दबाव करता है, सब जा हरेक बच्चे पढ़ते हैं वहाँ, हरेक लोग हम हरेक लोग का काम करते हैं, बच्चा को हम बोलते हैं कि अगर लेटरिन भी कर देगा तो हम साफ करेंगे, लेकिन जो टीचर करता है उसको हम नहीं ना भाग लिए हैं, वो भी करवाता है। अच्छा, टीचर का भी आपको मतलब करना? हाँ, मेला ढोना है, धोवाता है, खाना मांगता है परस के कुर्सी पर, वो लोग का पैसा ज्यादा मिलता है तो हम लोग उसका गुलामी कर, वर्कर्स को बच्चों के लिए रखा गया तो मतलब अपना भी काम करवाता है, स्कूल में आता है,
अच्छा, ये जो स्कूल में लगभग कितने छात्र बच्चे आते हैं पढ़ाई के लिए? आते हैं जब आता है 200 बच्चा या 400 बच्चा बताता है, 600 बच्चा, यही संख्या संख्या कम रहती है, बताया जाता है इतना है, मतलब घोटाला हो रहा है बहुत। क्या नाम है आपका? गीता देवी। कहाँ से आई है? आशा है, पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिला। आप किस में वर्किंग है? आशा है, आशा वर्कर है। तो आपके साथ भी यही सब हो रहा है? ये तो मिड डे मील में काम करती है स्कूल में, आप आशा वर्कर है, आपका क्या काम रहता है? हम 27 ब्लॉक को देख रेख करते हैं, अपना पीएससी 27 ब्लॉक का अध्यक्ष है। 27 ब्लॉक में धांधली हो रहा है, आज तक मोबाइल का पैसा नहीं मिला, साइकिल का पैसा नहीं मिला, ड्रेस का पैसा 4 साल 5 साल से रुका हुआ है। आज जो आशा बोलती है 27 ब्लॉक में धमकाया जाता है, तुम्हारा चैन मुक्त कर देंगे। हम खोजी किए, हमको बुलाया गया जो तुम पोलियो का दिन आ जाओ, तुम्हारा पैसा 4 राउंड का पैसा बकाया था, आओ दे देंगे। आज जब हम गए ना तो हमको रूम में बुला लिया गया, पोलियो को ठप कर दिया गया, हमको फंसा दिया गया। फंसाने के बाद 2019 से 1 चवन्नी नहीं हमको मिला है आज तक लेना। और सारे आशा को कहता है BCM ब्रिज किशोर, टारगेट में रखते हैं, बारी बारी से सबका चयन मुक्त कर देखते हैं। प्रभारी को बोले हम कौन गलती किए हैं कि आप हमारे सर इस तरह हमारे साथ कर दिए हैं। सिविल सर्जन को दिए लेटर, कोई सुनवाई नहीं हुआ। मंत्री जी को दिए। बिहार में क्या इसी तरीके का धांधली चल रही है? यही धांधली चल रही है। प्रभारी सबसे ज्यादा दलाल है, फैसलेटर कहती है ये काम में 1000 रुपया नहीं देगी तुम्हारा चैन मुक्त हो जाएगा। आशा अपना गहना बेच के दो या अपना जमीन बेच के दो या कर्ज काट के दो, देना है उसको। अभी जो उम्र में जो छटाई हुआ है इसमें सीतामढ़ी का सा गहना बेचकर, कान का बेचकर, गला का बेचकर के जमीन बेच, मजबूरी तक आ गई आपको बेच के बेच करके करना पड़ता है। अब मधुबन PSC है जो कि, और कोई चीज का पैसा कहीं नहीं मिल रहा है मैडम। 27 ब्लॉक का ये स्थिति है। पैसा नहीं मिलता है, काम करते हैं, काम लिया जाता है आपसे दुगना और पैसा नहीं मिलता है। भैया नीचे आ जाइए, इतनी देर से वीडियो बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? नहीं, ऐसे नेता है क्या आप? नेता है क्या? इधर आइए, नेता है क्या? तो ये सारी महिलाएं हैं, आप कहाँ से आई हैं? जमुई जिला से आई हैं। जमुई बिहार में ही है? अच्छा, आप किस में वर्किंग है, आप किस में कार्यरत है, काम करती है? रसोईया में कार्यरत है, मिड्डे मील में करती जी हाँ। तो आपके साथ मतलब इस तरीके का जो ये अभी एक महिला ने बताया कि भैया 200 महिलाएं आई होती हैं, लेकिन बताया 600 मतलब बच्चे आए होते हैं, 200 और 600 बच्चा बता दिया जाता है आगे। तो ये बात सही बोल रही थी? यही बात सही है। और हम लोग पर पूरा शोषण होता है, बोलता है कि तुम लोग काम नहीं करती हो, निकाल दिया जाएगा, बार बार किए धमकी दिया जाता है मास्टर। और 10 महीना 12 महीना खटते हैं, 10 महीना का पेमेंट 1500 सब करवाते हैं, पैखाना लैटरिन बार क्या, क्या क्या बोल रहे हैं? हम रसोईया है उत्कर्मी मध्य विद्यालय सतवारी के। क्या क्या साफ करवाया जाता है? पैखाना साफ करवाते हैं मास्टर लोग। रसोईया से लैटरिन साफ करवाई? हाँ, पखाना रसोईया से साफ करवाते हैं। हम उत्कर्मी मध्य विद्यालय सतवारी के हैं, थरथरी प्रखंड के हैं, ग्राम सतवारी है, उत्कर्मी मध्य विद्यालय सतवारी स्कूल में है, उस हम वहाँ के रसोईया है। मेरी नाम इंद्रेश कुमारी है। हम लोग को कहते हैं प्रिंसिपल ना कि आप पैखाना साफ कीजिए, बहाड़िए सब तरह से, बच्चों की साफ सुथरा दिखाए के, क्या हम आंगनबाड़ी छोटा छोटा बच्चा है कि उसको हम साफ सुथरा करवाएंगे? बताइए, आपसे लैटरिन साफ करवाई जा रही है? एक बात बताइए, आप रसोईया है, आपके साथ जातिगत भी भेदभाव होता है क्या? यस, जाति का भेदभाव करते हैं हम लोग, हर जन नियत काम करता है वो लोग भाई। हम लोग AC कास्ट के हैं, हम लोग तो पैखाना साफ करवाते हैं। साफ करिए, बाथरूम साफ करिए, खाना बनाइए, बाजार खाई नहीं बता जाइए, नहीं बाहर जाइए घर आपस। कब से हो रहा है ये सब आपके साथ? शुरू से रहे बहन जाते हैं। कितना सालों से? तब से कि बहाली है, बहाली हुआ तब से कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग चपा चपा के रखते, अब खाना मिले बचत लग तो खाना नहीं मिलेगा। हाँ, 2000 खाना करने भागे हैं तालाब बंद। अच्छा, ये बताइए जातिगत भेदभाव भी होता है कि मतलब रसोईया के जाति देखी जाती है और खाना परोसना ऐसे तरीके का मिड डे मील जो देती हैं, छोटी जाति से आती, पिछड़े वर्ग से आती हैं, ऐसा होता है क्या भेदभाव? नहीं, ऐसा होता है क्या? नहीं। ये रसोईया से पखाना साफ करवाया जा रहा है, ये कहाँ का रीत है? छतरपुर थाना। हेडमास्टर से बोला, स्कूल में बोला, आवाज मारदारे कराता है, झारखण्ड छतरपुर थाना कराता है।
कि भाई बाथरूम साफ करिए, बाहर ये किचन साफ करिए, तो भागे यहाँ से नहीं बना देंगे। दाई कहता है हम लोग की, तो दाई है क्या, हम दाई हैं, हम खाना बना लेकिन हम बच्चों को खाना खिलाने के लिए हमसे साफ सफाई करवाइए, मतलब कि दे हाथ देखिए झाड़ू बहार ऊपर का साफ सफाई करेगा, इन्हें की शौचालय साफ करेंगे, हम लोग डर से ना करते हैं मैडम सफाई। तब और भी तरीके का शोषण होता है, आप कब से सहन कर रही हैं ये सब हेडमास्टर कराता है, प्रिंसिपल है, ग्राम सतवरी है, पोस्ट जयपुर है, थाना चंडी है, प्रखंड थरथरी है, वहाँ से हम लोग आए हैं, जिला है जो कि नालंदा जिला है, सॉरी मन बोलने में कुछ नालंदा जिला से, हाँ नालंदा जिला से धांधली हो रही है इस बिहार में हो रहा है, बिहार के मंत्री जो है चुनाव लड़ के बैठ जा रहे हैं, दावे वादे कर रहे हैं, अगर उनको हम गद्दी पर नहीं बैठने देंगे मोदी जी को, हम अभी सब बहन एकता हो के उनको कुर्सी को हटाना है, नहीं तो हमको सरकारी कर्मचारी बना दें और जो वेतन मान है देने के लिए बोले। इस बार चंडी का रूप धारण कर लेंगी क्या? हम रूप धारण कर लेंगे, हम लोग सभी बहन एकता हो के रूप धारण कर लेंगे, कुर्सी उनको छीन लेंगे नहीं, हम लोग को बात मानेंगे, यस कुर्सी छीन लेंगे, कैसे छीन लेंगे, पास पावर है, सत्ता देखता हो को उनको हम लोग अभी वोट नहीं देंगे, अभी जिताएंगे नहीं, उनको हटा देंगे, 2024 में उनको बारी आ रहा है, छलनी कंछली से मारेंगे, मारेंगे मोदी जी का टीम अभी काम नहीं आएगा, मैं हम लोग के सामने मोदी जी अब टीम को भेजते हैं पैसा दे दे के कि जो पैसा बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी, हाँ बढ़िया काम कर रहे हैं, हमारे साथ में बहुत गलत काम कर रहे हैं, तब तो महिलाओं के लिए इतना काम कर रहे हैं, बोलते महिलाओं के लिए हमने ये सब किया, महिलाओं के लिए चूल्हा चौका वो सा, जो सिलेंडर है मातृत्व रहते भर में क्या हम लोग गोईठा लगाएंगे माथा पर करके और हमें चार को बस सुनेंगे, आंख से आंसू गिराएंगे, आंख हमको अंधा हो जाएगा, तो कब मोदी जी अपना उड़तिया वाला खे देंगे, को अपन बेटवा वाला देंगे, चूल्हा पे नहीं बनता, गैस सिलेंडर मिलता है, हाँ मिलता है, लड़ाई करने मिलता है। हमारा नाम हुआ उषा देवी और छतरपुर प्रखंड के अध्यक्ष हूँ, जिला सचिव हूँ, पलामू से झारखंड का निवासी हूँ। हमारा कहना इतना है, हम मांग पूरी करने के लिए आए हैं, 21,000 हमको मानदेय चाहिए और कर्मचारी के दर्जा देना चाहिए, और छतरपुर प्रखंड में एक बहुत बड़ा घटना घट गया है कि रसोईया पर संयोजिका शनिवार के दिन खिचड़ी उझील दिया है, इसलिए उसका दशा बहुत ज़्यादा खराब है, पूरा सीना से लेके गर्दन तक पूरा जल गया है और ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है अच्छा से, और उसको धमकी देता है संयोजिका के हस्बैंड की, हम सब कोई खिचड़ी से खेलेंगे होली तो हम खेलेंगे गोली से होली, इसलिए वो अपना महिला मतलब मौसमात है। होली से कौन खेलने की होली की बात कर रहा है? संयोजिका के हस्बैंड ऐसे बोलता है, तो बड़ा बाबू के सामने पुलिस थाना सब हुआ, लेकिन उसका स्वीकार कोई नहीं किया, अभी तक बेचारी घर में पड़े है, थोड़ा सदर हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करा के हल्का फुल्का ला के प्रशासन से आपने गुहार लगाई? हाँ, अभी तक प्रशासन भी कुछ नहीं सुना, गांव का मुखिया बोलता है कि हम लोग का इतना ही बस अब सोल्व कर दीजिए, अभी मत कुछ कीजिए, जात भाई है, अपने ही कास्ट है, गोतिया है, इसके चलते उसको कुछ मत कीजिए, डर से उसका एक लड़का है एक लड़की है, गुंडा राज चल रहा है, गोली से होली खेलेगा वो बंदा, हाँ बोल रहा है, गुंडा राज चल रहा है, यस इतना गुंडा राज चल रहा है वहाँ पे छतरपुर, प्रशासन हाथ पे हाथ धर के बैठा है, वहाँ दिन कौवली स्कूल का ये बात है, छतरपुर प्रखंड कौवली स्कूल का रसोईया है, इसलिए वो बहुत गरीब आदमी है बेचारी, मौसमात है, एक ही लड़का एक ही लड़की है, से लड़की उसका गई बोलने की हमको मम्मी के जला दी, तो उसका धर के झांकुरा पटक दी, उस संयोजिका मैं समझ नहीं पा रही, थोड़ा हमारे घर के माथा का झोटा पकड़ ली और मार दी उसका लड़की के, इसलिए उस पर कार्रवाई किया जाए
जो पुलिस क्या कर रही है पुलिस को, जब ये दिखा नहीं ये सब इतना मारपीट हो रहा है। देखा तो पेपर में भी नहीं आने दिया मीडिया लोग भी। हाँ मीडिया भी गया था। इतना घटिया काम किया है रसोईया साथे महिला साथे, इतना शोषण किया है कि इतना अत्याचार किया कि हम लोग से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसा बात है। अब क्या करेंगे, इतना इतना जंगल राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है, मतलब वहाँ पे तो क्या कुछ करेंगी महिला, कैसे आप लोग काम करती हैं? यस, इसीलिए तो हम लोग अपना मांग के लेके यहाँ आए हैं कि हम लोग का ना टीचर समझते हैं, हाँ, ना संयोजिका और ना अध्यक्ष, तो हम लोग कैसे रहें? कुछ भी थोड़ा भी देर हो जाएगा तो टीचर कहते हैं कि इन लोग का हटा दिया जाए। 60 साल पुर गया उसका भी कहते हैं कि हटा दिया जाए। आओ हम लोग का मतलब कुछ आप, ना अगर आवाज उठाती है तो आपको हटा देने की धमकी दी जाती है? एकदम धमकी दिया जाता है मैडम, पूरी नजर। अच्छा, ये आपने लिखा लैंगिक शोषण भी होता है। लैंगिक शोषण मतलब क्या कुछ हो रहा है? लैंगिक महिला शोषण मतलब करती है वो लोग। हाँ, कि हम लोग जो चाहे से होगा, जैसे कहेंगे वही होगा। आप लोग का गलते झूठे सब आवाज में अथी करते हैं, हम लोग पर निगाह से अथी करता है सब। यही कह के हम अपना वाणी को बयान करती हूँ। यानी कि इतना मतलब टाइम पहले जो महिलाओं के साथ होता था वो आज भी 2022 में हो रहा है ये सब हो रहा है। आज हम लोग 2005 से बहाली हैं और 2022 में आइला के बाद बोलता है सबको कि हटा देंगे। एक कोई अच्छा चीज तो नहीं ना है, है? और अत्याचार बहुत। मोदी जी कहते हैं हमने अपनी माता बहनों के लिए बहुत काम किया है। कुछ नहीं बहुत किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। क्या किए हैं 2000 में हम लोग का बनियार समझ लिए, क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं हम लोग का लिए। अब क्या कुछ करेंगी? कुछ नहीं करेंगे तो अब की हम लोग का एकता बना रहे हैं, बन गया है। आपकी कुर्सी से उतार देंगे, कुर्सी से उतार देंगे, उतार देंगे। महिला शक्ति है इतनी, इतना ही शक्ति है, पूरा एकदम नारी शक्ति एक है। जैसे चंडी का शक्ति है वैसे महिला का शक्ति है। उतार देंगे तो उतार देंगे, उनके पास इतनी सत्ता है, पावर है, लोग हैं, आप उतार देंगे गद्दी से? उतार देंगे, नहीं करेंगे हम लोग मांगी नहीं पूरी करेंगे तो उतार देंगे। और उतार के रघुवर दास जैसा कुर्सी जैसे उसको फेंके थे वैसी फेंक के रहेंगे। यस, ये देखिए इतनी नाराज है महिलाएं कि तख्ता पलट करने को यहाँ पर जो है बात कर रही हैं कि इनको गद्दी से उतार फेंकेंगे, क्योंकि इतना अत्याचार जो हो रहा है। सोचिए रसोइये से पखाने तक साफ करवाए जा रहे हैं। आप ये घटिया मानसिकता देखिए कि आज भी महिलाओं को किस तरीके से जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको काम दे जो है उनका मानदेय जो दिया ही नहीं जा रहा है, मासिक वेतन है वो दिया नहीं जा रहा है, उनसे दुगना काम लिया जा रहा है, ऊपर से उनको लगातार जो है धमकी दी जा रही है कि भैया काम नहीं किया या ये काम नहीं किया तो आपको निकाल दिया जाएगा। ये लगातार जो महिलाएं डिमांड करने के लिए यहाँ पर खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं कि ये तमाम महिलाएं अलग अलग जगहों से आई हैं और यहाँ पर मांग डिमांड कर रही हैं। सबकी मैंने दुख दुविधा जो भी उनकी परेशानी थी, उनके मुद्दे थे, डिमांड थी, वो आपको सुनवाया किस तरीके से इन बेचारी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। और सोचिए बिहार में, बिहार जिले से, मोतिहार से, दरभंगा से, अलग अलग जिलों से आई हैं, लेकिन ये सोचिए कि कितना इनके ऊपर किस तरीके का अत्याचार हो रहा है और इनके साथ शोषण हो रहा है। और ये आज यहाँ पर अपनी आवाज़ें बुलंद करने आई हैं, यहाँ जंतर मंतर संसद पे घेराव कर रही हैं, इसीलिए कि इनके साथ इस तरीके की घटिया और घिनौनी हरकतें हो रही हैं। सोचिए ये माता जो बोला जाता है प्रांगण से, प्रधानमंत्री जी दावे वादे करते हैं कि माता बहनों के लिए हम ये सब कर रहे हैं, लेकिन आज तमाम महिलाएं आप देख सकते हैं माता बहनें आज यहां पर आई है अपनी आवाजें बुलंद करने के लिए। और आप इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा जंतर मंतर।